हरियाणा के व्यापारी भाइयों, मैं बस आपसे एक लूटपाट पर एक गुजारिश करने आया हूं। जब तक नहीं जागेगा व्यापारी, जुल्म रहेंगे जारी। एक छोटी सी बात बोलूंगा, मानो ना मानो मर्जी तुम्हारी। मेरे व्यापारी भाइयों, किसानों की तरह एकता करना सीख लो, वरना 7-8 दिन के अंदर ही कितनी घटनाएं घटी है। गोहाड़ा में गोलियों की बौछार, सांपड़ा में व्यापारी पे गोलियों की बौछार, और कल बहालगढ़ में दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या कर दी, तो शाम के अंदर एक व्यापारी का बच्चा उठा लिया, किडनैप हो गया। कभी महक में फिरौती, कभी गोहाड़ा में फिरौती, कभी सांपड़ा में फिरौती, और बहादुरगढ़ के अंदर दो दुकानों में घुसकर हथियारबंद लोगों ने दो व्यापारियों को लूट लिया। 7-8 दिन में कितनी घटनाएं घट गई। किसानों के अंदर एकता, उनको कोई टच नहीं करता। हमारा कोई नेता नहीं है, और जितने नेता हमारे एमएलए एमपी या कोई मंत्री बनकर आता है, वो व्यापारियों की कभी नहीं सुनता, वो सिर्फ अपना व्यापार करने आता है। यदि व्यापारियों की सुनता, आपकी आवाज बनता। व्यापारी सबसे ज्यादा वोट भी देता है, नोट भी देता है, सपोर्ट भी देता है। उसके बाद ना तुम्हारी कोई सत्ता पक्ष वाला सुनता है, ना कोई विपक्ष वाला सुनता है। आए दिन दिन दहाड़े जितनी भी वारदातें होती है, सारे व्यापारी भाइयों पे हो रही है। मैं कहता हूं, व्यापारी भाई सगो, तुम वो हाल है तुम्हारा, जब मुर्गे काटने वाला एक मुर्गे को उठाता है पिंजरे से, बाकी मुर्गे दाना चुगते रहते हैं, वो एक एक करके सारे कट जाते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता, और वही हाल आज व्यापारियों का है। एकता कर लोगे बच जाओगे, वरना एक एक करके मारे जाओगे। जितना डरोगे उतना मरोगे। मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने भी आवाज उठाई थी। आज सरकार क्या कर रही है, जो भी जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसी को अंदर कर देती है, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसी को अंदर कर देती है। भाई किसी को अंदर करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ना जुर्म खत्म होगा। कई अधिकारी ऐसे हैं जो क्राइम खत्म कर सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद्दे ले लगाया हुआ है, और जो चापलूस अधिकारी है उनको सीट पे बैठाया गया है, क्योंकि चापलूस कभी काम नहीं करते, और काम करने वाले कभी चापलूसी नहीं करते। लोग मुझे मोदी भक्त कहते हैं, और मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जैसे मोदी जी अपने राजस्थान में जाकर बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग ली, भ्रष्टाचार और जुल्म खत्म करने के लिए कदम उठाया, एक बार मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे हरियाणा के अंदर भी ऐसा कुछ करो। जय हिंद, जय हरियाणा।